रुड़की के मिर्जापुर मुस्तफा ग्राम पंचायत में बड़ी लापरवाही सामने आई है। जो लोग पेंशन के पात्र ही नहीं थे उन्हें वृद्धावस्था पेंशन दी जा रही है। ज्यादातर पेंशन लेने वाले लाभार्थियों की उम्र 60 वर्ष से कम है, जबकि वृद्ध पेंशन उन्हीं को मिलती है जिनकी उम्र 60 वर्ष से ज्यादा की होती है। अधिकारियों की इस लापरवाही के चलते सरकारी पैसे का दुरुपयोग हो रहा है, वहीं पात्र लोगों को इसका लाभ तक नहीं मिल पा रहा है। शिकायतकर्ता ने बताया कि सभी अधिकारियों को मामले की जानकारी से अवगत करा दिया गया था, लेकिन राजनीतिक दबाव के चलते कोई भी कार्यवाही नहीं हो पाई। हमारे यहाँ 2010 30-35 साल के लोगों को 60-65 आदमी पेंशन जारी परिवार रजिस्टर को फेर बदल हम लोग शिकायत करी एडीएम को, डीएम को, एसडीएम को। एडीएम ने जांच करी, एडीएम ने दोषी पाए गए 61 आदमी, 51 आदमियों के बाद भी 7वें महीने की 4 तारीख को आदेश कर दिया था और 8वें महीने की 11 तारीख को फिर मेरे खाते में पैसे डाल दिए। अभी तक इन पर जो आरोपी है कोई कार्रवाई नहीं, किसी ने कोई कार्रवाई नहीं। फिर इन्होंने एसडीएम उनकी से जांच कराई, एसडीएम उनकी को दबाव बना रखा नेताओं ने। सीडीओ ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए इसकी जांच के आदेश एसडीएम रुड़की को दिए हैं। एसडीएम गोपाल सिंह ने जांच शुरू कर दी है और उनका कहना है कि जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। सीडीओ सर हरिद्वार के माध्यम से एक पत्र मिला था, शिकायत पत्र मिला था, जिसमें वृद्धावस्था पेंशन की में लापरवाही की चीज़ें लिखी हुई थी, बात लिखी हुई थी। तो उस आधार पर ज्वाइंट मिनिस्टर साहब को निर्देशित किया गया था, ज्वाइंट मिनिस्टर साहब ने मुझे ट्रांसफ़र कर दी थी जांच। तो मेरे द्वारा उसमें जांच की गई और जांच में मुझे कुछ अनियमितताएं लगी और करीब 14-15 जो लोग हैं जो 60 वर्ष से जो कम हैं उसके बाद भी वो वृद्धावस्था पेंशन दे रहे हैं। मेरे माध्यम से रिपोर्ट प्रेषित कर दी गई है ज्वाइंट मिनिस्टर साहब को, ज्वाइंट मिनिस्टर साहब ने सीडीओ सर हरिद्वार को जांच भेज दी गई। देवभूमि न्यूज़ रुड़की।